कहते हैं ना मम्मी सुपर विमेन होती हैं। जी हाँ, ये बात इस ट्रैफिक पुलिस की कांस्टेबल पर बिल्कुल सही फिट बैठती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 1523 के चौराहे पर महिला कांस्टेबल प्रियंका एक तरफ अपनी ड्यूटी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अपने साथ अपने बच्चे को संभाल रही हैं। बच्चे को गोद में लेकर ट्रैफिक कंट्रोल करती महिला कांस्टेबल प्रियंका का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसके साथ ही दूसरी तरफ महिला कांस्टेबल भी तैनात है। ये वीडियो 5 मार्च के करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। अरे मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं। इन्हीं का बच्चा है ये भाई। अरे थोड़ा सा दरअसल महिला कांस्टेबल प्रियंका की ड्यूटी सुबह की शिफ्ट में सेक्टर 15, 16, 23, 24 चौक के पास थी। सुबह 8 बजे की टाइमिंग पर इंस्पेक्टर गुरजीत कौर को महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं मिली, तो वहां ड्यूटी पर तैनात दूसरी महिला कांस्टेबल से पूछताछ करने के बाद प्रियंका की एब्सेंट मार्क कर दी गई थी। इसके बाद फिर क्या, ट्रैफिक लाइन में महिला कांस्टेबल प्रियंका अपने बच्चे के साथ ही ड्यूटी करने पहुंच गई। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि दोहरी जिम्मेदारी निभाना महिला कांस्टेबल प्रियंका को भारी पड़ सकता है। महिला कांस्टेबल प्रियंका को वायरल वीडियो के बाद अब विभागीय जांच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर ड्यूटी पर पहुंची थी। मामले में महकमों के अफसरों का कहना है कि महिला कांस्टेबल की ड्यूटी पर देर से पहुंचने और गैर हाजिर होने की वजह से उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बच्चे के साथ ड्यूटी करने पर आपत्ति जताई है। सेंट्रल डिवीजन की इंस्पेक्टर गुरजीत कौर ने मामले में महिला कांस्टेबल प्रियंका की जांच शुरू कर दी है। वहीं विभाग के आला अधिकारियों का तो कुछ और ही कहना है। विभाग की तरफ से मुलाजिमों के बच्चों के लिए पुलिस लाइन में क्रेच की सुविधा उपलब्ध है। अधिकारी या कर्मचारी जरूरत पड़ने पर क्रेच में अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं। वहां पर बच्चों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई महिला की दोहरी जिम्मेदारी को सैल्यूट कर रहा है, तो किसी ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ डेस्क।